नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, ऑल इंडिया पुलिस वैकेंसी निकली है जो हमारी ITBP होती है, उसमें ITBP क्या है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। तो इस पुलिस फोर्स में वैकेंसी निकली हैं जिनमें सभी के लिए हैं 10th 12th ग्रेजुएट, क्योंकि इसमें वैकेंसी हैं किन किन पदों के लिए, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए। तो ऑल इंडिया के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं हम डिटेल्स में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, कब से फॉर्म शुरू होंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, कोई भी नया जॉब निकलता है, एग्जाम डेट आती है, एडमिट कार्ड आता है, हम सबसे पहले आपको नोटिफाई करते हैं। और दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी या SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं, आपने फॉर्म भरा है, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं, हम ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहेंगे, आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम खराब किए। तो ये देखिए, यहाँ बताया गया है इस वैकेंसी के बारे में, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम, हेड कांस्टेबल टेलीकॉम एंड कांस्टेबल टेलीकॉम, तीनों पदों के लिए। इसके लिए ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। तो इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों एलिजिबल हैं। इसमें पोस्ट बताई गई है, ये जैसे सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के लिए 17, हेड कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए 156 और कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए 238, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के यहाँ कैटेगराइज किया गया है, किस किस कैटेगरी में कितने आपके पद हैं। तो इसमें बताया गया जो वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, मतलब घट बढ़ सकती हैं, ये फिक्स वैकेंसी नहीं है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर उनकी सीट नहीं भरती हैं तो उन्हें मेल कैंडिडेट के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वैकेंसीज को। तो आपके वैकेंसीज बढ़ने के चांस हैं अगर इधर उधर आपकी जो है वैकेंसीज पूरी नहीं होती। तो इसमें पे स्केल बताया गया है, सब इंस्पेक्टर का आपको पता है लेवल 6 की जॉब है, पे मैट्रिक्स 35,400 से 112,400 एज पर 7th पे कमीशन। हेड कांस्टेबल टेलीकॉम का लेवल 4 की जॉब है, 25,500 से लेकर 81,100 तक, 87,100 सॉरी, एज पर 7th पे कमीशन। अब कांस्टेबल का देख लेते हैं, कांस्टेबल का आपको पता है लेवल 3 की जॉब है, तो ये 21,700 से 69,100 तक एज पर 7th पे कमीशन। एप्लीकेशन फॉर्म सब इंस्पेक्टर के लिए ₹200, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए ₹100। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी, वो फ्री में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं जो इसको अप्लाई कैसे करना है। तो ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.recruitment.itbpolice.nic.in, ये वेबसाइट जो है लिखी गई है, तो इससे अप्लाई करना है। तो इसकी डेट्स बताई गई हैं, तो इसमें जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और SI के लिए, अगर आपको SI के लिए भरना तो आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। बाकी 12th के लिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 12वीं कर रखी है। तो इसमें कब से फॉर्म शुरू होंगे, तो ये ऑनलाइन अप्लीकेशन शुरू होगी आपकी 4/9/2018, तो ये 4 सितंबर से शुरू होगा और क्लोजिंग डेट है 3 अक्टूबर 2018। तो अभी इसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, क्योंकि 4 सितंबर से अभी टाइम है आपके पास। तो इसके लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आपको नोटिफाई करेंगे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन 1st वीक में 1-2 तारीख के करीब आ जाएगा आपका। 4 तारीख से फॉर्म भरने शुरू होंगे, 4 सितंबर से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को इस जॉब का पता चल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।